नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सॉल्ट टू टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे टोमेटो सूप। सूप बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल और 1 टेबल स्पून बटर। अब हम इसमें डालेंगे 1 इंच घिसा हुआ अदरक, और 4 से 5 कलियां लहसुन की बारीक काट के। अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसे हमने लंबा लंबा काट लिया है। प्याज को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा गुलाबी रंग आने पे ही इसमें हम डालेंगे 1/2 केजी टमाटर। टमाटर को हमने रफली चॉप कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता और 1/2 टीस्पून काली मिर्च। एक टीस्पून नमक और अब टमाटर पकाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। अब हम इसे ढक कर रख देंगे जब तक हमारे टमाटर अच्छे से पक ना जाए। अब 10 मिनट हो गया है, हमारा टमाटर अच्छे से पक गया है और अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम लेंगे ब्रेड की 3 स्लाइसेस, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं जो आपका मनपसंद हो। हम इन्हें छोटे छोटे स्क्वायर्स में काट लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे अपने ब्रेड पीसेस को डीप फ्राई करने के लिए। हम अपने ब्रेड पीसेस को गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे और फिर हम अपने ब्रेड पीसेस को निकाल लेंगे। हमारे क्रूटॉन्स अब रेडी हो गए हैं। अब हम एक छन्नी लेंगे और उसमें अपने टमाटर के पेस्ट को छान लेंगे, जिससे सारा एक्सेस वाटर हमारा निकल जाए। इस एक्सेस वाटर को हम फेंकेंगे नहीं, कलेक्ट करके रखेंगे। और बचे हुए टमाटर को हम एक मिक्सर जार में डालेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। हमने इसमें से तेज पत्ता पहले ही निकाल लिया है। हमारा पेस्ट अब तैयार है। हम इस पेस्ट को छन्नी से उसी पानी में, टमाटर के पानी में हम छान लेंगे अच्छे से। हम टमाटर के पेस्ट को एक स्पून से या स्पैचुला से रब करेंगे, जिससे हम उसका टमाटर का सारा जूस जो है वो हम कलेक्ट कर पाएं। हमने पेस्ट को अच्छे से छान लिया है और अब ये हमारे पास टमाटर की बीज और छिलके बचे हैं, इन्हें हम हटा देंगे। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें हमने जितना टमाटर का जूस निकाला था सब इसमें डाल देंगे। हम इसे बॉईल कर लेंगे और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, मिठास के लिए 1 चम्मच चीनी, अब हम एक कटोरी लेंगे, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम लोग कॉर्नफ्लोर का पेस्ट बना लेंगे। इसे हम सूप में डालेंगे जिससे सूप गाढ़ा हो जाता है। अब हम अपने सूप में डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा
और हमारा कॉर्नफ्लोर का पेस्ट। हम कॉर्नफ्लोर पेस्ट एक एक चम्मच करके थोड़ा थोड़ा डालेंगे अपने सूप में। हम उतना ही कॉर्नफ्लोर पेस्ट डालेंगे अपने सूप में जितना गाढ़ा हमें सूप चाहिए। हमारा सूप अब अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम अपने सूप को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।